नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 7 सितंबर। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर करेंसी मार्केट के अंदर काफी उतार चढ़ाव हमने बनते हुए देखा। सबसे पहले अगर हम USD INR की बात करें तो USD INR में 0.28% की गिरावट आई, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, OI में ड्रॉप है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, जिसके चलते मार्केट में ये हफ्ते में भी गिरावट रह सकती है। वहीं यूरो INR में अगर बात करें तो प्राइजेस 0.5% की गिरावट, ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट और साथ में ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम में भी गिरावट, जो लॉन्ग लिक्विडेशन बताता है। GBP INR भी 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया और JPY भी 1% की गिरावट। तो ओवरऑल पूरे ही करेंसी पैक में हमने देखा कि एक गिरावट वहां माहौल बना हुआ था। वहीं अगर हम शुक्रवार के सेशन की अगर बात करें तो शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि USD INR में 0.5% की गिरावट आई। एज ऑफ नाउ मार्केट 72-70 का इमीडिएट सपोर्ट और 73-60 का इमीडिएट रिएक्शन, ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड में है, एक जंप जरूर उम्मीद है जो 74 तक का भी लेवल दिखा दे, पर टेक्निकली खाली एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बाकी फंडामेंटली अभी भी काउंटर काफी वीक है। नो डाउट शुक्रवार के सेशन में US से अच्छे डेटा आने के चलते हमने डॉलर के अंदर एक तेजी आते हुए देखी और डॉलर इंडेक्स फिर से 93 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हो सकता है अगले 2 सेशन के अंदर हम डॉलर में थोड़ी मजबूती देखें। बट ओवरऑल 73 का लेवल तोड़ता नहीं है तो 73 से 73-70 का जो एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज की ओपनिंग करीबन 73-30 के करीब होगी। US मार्केट बंद होने की वजह से आज कोई बड़ा उछाल नहीं रह सकता है, बट डोमेस्टिक मार्केट में SGX हमने नेगेटिव देखा, जिसकी वजह से USD INR में एक जंप देखने मिल सकता है। तो आज के लिए 73-25 के करीब मिले तो लेके चलना है, 73-45 से 73-50 तक का लेवल हम USD INR में देख पाएंगे। वहीं यूरो की बात करें तो यूरो में और GBP में दोनों में ही हमने गिरावट का रुख आते हुए देखा, जिस ढंग से डॉलर में स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यूरो और GBP में गिरावट था। बट अगर चार्टिंग के लिए भी अगर हम बात करें तो एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है यूरो में, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मंदी बताया जा रहा है, जिसके चलते हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में हम 80 का लेवल फिर से छू पाएंगे। आज के सेशन में ओपनिंग गिरावट के साथ होगी जो करीबन 86-70 के करीब हो सकती है। डाउनसाइड ध्यान रखिए, जब तक 87-20 का लेवल ब्रीच नहीं करता है डाउनसाइड में हम 86-30-86-40 तक के भी लेवल यूरो में देख पाएंगे। वहीं GBP की बात करें, GBP में भी गिरावट का रुख है, 97-20 का इमीडिएट सपोर्ट है, अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो 96-40 तक के भी लेवल हम GBP INR में देख पाएंगे। सिमिलरली JPY INR में भी हम गिरावट देख पा रहे हैं, डॉलर की तेजी के चलते येन में गिरावट है, जो डाउनसाइड में 69 का लेवल तोड़ने से 68-70 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज चाइना से मॉर्निंग में ट्रेड बैलेंस का डेटा रहेगा, जो कहीं ना कहीं खराब आने की उम्मीद है। साथ में हम यूरो जोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े देखेंगे, वो भी खराब है। इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस का डेटा देखेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी, बट आज US मार्केट बंद होने की वजह से कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं दिखाई दे रही है। चार्टी के लिए अगर हम बात करें तो यूरो INR का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, क्लाउड नीचे है, चैनल का ब्रेकेज हुआ है, जो डाउनसाइड में करीबन 85-90 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं GBP INR क्लाउड का सपोर्ट ले सकता है, जो करीबन 96 के करीब का है, अगर 96-10-20 का लेवल ब्रीच होता है तो ही हम बड़ी गिरावट के लिए देखेंगे, अदरवाइज 96-96-20 का सपोर्ट लेने के बाद प्राइजेस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।